स्टार्टिंग में हम देखते हैं इन सभी को जो शाओचुन के लिए बहुत परेशान थी। यी तोंग को छोड़िए सारे उसे ढूंढने निकल जाते हैं। यी तोंग हेलिन को कॉल करने लगती है बट वो सोया हुआ था जिस वजह से वो कॉल नहीं उठाता। यी तोंग उसको मैसेज करती है कि यूफे से रिजल्ट को लेकर क्लियर करो। हमें शाओचुन को लेकर पुराने सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं इन सारे ने अभी तक शाओचुन को नहीं खोजा था। शाओचुन को हम अभी भी रोता हुआ देखते हैं और हमें शाओचुन की बचपन की फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहां पे हम देखते हैं शाओचुन के डैड ने अपने बेटे को जहर देकर मार दिया था। ये सब सोचकर शाओचुन और ज़्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट डे शाओचुन घर आती है और उसे सब हग कर लेते हैं और बताते हैं कि वो कल रात कितना डर गए थे बट यी तोंग उसे हग नहीं करती। शाओचुन सबको बोलने लगती है मरने वगैरह की बात जिससे सबको उसे ऐसे बोलने से मना करती हैं क्योंकि वो सब हमेशा उसके साथ है और डोर में इन्वेस्टिगेटर ले आता है। सब डरे हुए थे बट इन्वेस्टिगेटर शाओचुन से सबकी तरफ से माफ़ी मांगने आया था। शाओचुन को ये सभी हौसला रखने को बोलते हैं जिससे शाओचुन कलपते हुए रोने लगती है। इधर माँ के अपने साथ नीजिन की फ़ोटो देख कर खुश हो रहा था और वहाँ नीजिन आती है जिसके बाल अब छोटे हो गए थे। नीजिन बोलती है उसे एक ओल्ड आदमी को गिफ्ट देना है और वो परफ्यूम का प्लान करती है। माँ के उसे अपने साथ आफ्टरनून में मूवी देखने चलने को बोलता है बट नीजिन मना कर देती है क्योंकि उसको गिफ्ट लेना है। नीजिन उसे पूछती है कि उसको पता है कि प्यार क्या है। माँ के बोलता है कि हाँ क्योंकि वो किसी से प्यार करता है। नीजिन बोलती है कि किससे। माँ के बोलता है तुमसे लेकिन नीजिन इसमें यकीन नहीं करती। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं बट फर्क इतना था कि नीजिन खुश थी और माँ के खुश नहीं था। चैन चैन गाओलिन का जेल से भेजा हुआ माफी वाला लेटर पढ़ती है। इधर वो डॉक्टर चैन चैन को बोलती है उसने दूसरों के बारे में बहुत बोल दिया अब वो खुद के बारे में बोले। चैन चैन रिटर्न आ रही थी जहाँ उसे एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को प्यार से मुंह दबाता हुआ दिखता है जिसे चैन चैन डर जाती है और सहमी हुई घर आती है। उसे अपने घर के खाने को देख के भी डर लग रहा था जैसे कि उसके साथ गाओलिन ने किया था। उसे वही सब दिख रहा था। उसे सोते वक्त भी वही ख्याल आ रहा था और वो नींद में बेचैन हो रही थी और डर के ज़ोर ज़ोर से वो शाउटिंग करने लगती है। उस वजह से वहाँ सब कोई आ जाते हैं। यी तोंग नेक्स्ट डे इन्हें बताती है चैन चैन रात भर नहीं सोई है। शाओचुन क्लास में बहुत गौर से क्लास करती है और क्लास में ये क्लास हो रही थी अगर किसी पे ज्यादा वायलेंस होता है तो ये बीमारी भी बन सकती है जिससे कि स्ट्रेस की वजह से नाइटमेयर आने लगते हैं। और यांग यू शाओचुन को नोटिस करता है और शाओचुन अपने टीचर से सवाल करने लगती है। इधर नीजिन मिस्टर त्यान से मिलने आई थी और वो उसे गिफ्ट देती है। नीजिन बताती है ये उसका पहला सैलरी का पहला सामान है जो वो उसे दे रही है। मिस्टर त्यान बोलते हैं उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर त्यान बोलते हैं कि वो कल जा रहे हैं। नीजिन बोलती है कि आप आएंगे कब। मिस्टर त्यान बोलते हैं अब वो आएंगे ही नहीं। वो बोलते हैं शायद तब आए जब उसकी शादी होगी और वो हॉल में उसके फादर की जगह चलेंगे। तो नीजिन गुस्सा करते हुए बोलती है आप खुद को सच में मेरे पिता मानते हो। हम शाओचुन को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है टीचर ने कहा था चैन चैन को लेकर कि उसमें PTSD के लक्षण है सो उसे अच्छी सी साइकेट्री से ट्रीट कराना होगा। चैन चैन किसी भी लड़के के सामने आने से डर रही थी। शाओचुन यांग्यू के पास से चली जाती है और हेलिन यी तोंग को एक अजीब सा आसन करते हुए देखता है और वो जल्दी से खुश होकर वहाँ से भागती है। इधर चैन चैन घर आती है जहाँ वो शाओचुन को रोता हुआ पाती है। शाओचुन बोलती है उसका यांग्यू से झगड़ा हो गया उसे नहीं पता उसे क्या करना है। यी तोंग बोलती है एक रास्ता है हम पार्टी करते हैं लेकिन तभी लाइट चली जाती है और चैन चैन जोर से शाउट करती है और डरने लगती है और उसे शाओचुन हग कर लेती है। सब मिलकर पूरे घर में कैंडल्स लगा देते हैं और सारे अपने अपने बिस्तर लगा लेते हैं। शाओचुन अपनी कहानी बताती है जब वो छोटी थी तब वो लीडर थी बिल्कुल यी तोंग की तरह लेकिन जल्द ही मेरा भाई और मेरे पापा चल बसे जिस वजह से वो छोटे घर में रहने लगी और लोग को जल्द ही पता चल गया सब उसे बुली करने लग गए। तब उसने सोच लिया था कि वो आगे चलकर अच्छे दोस्त बनाएगी और अब उसका सपना पूरा हो चुका है। तुम सभी का शुक्रिया। शेंग बोलती है उसकी मॉम को अपने बेटे से बहुत प्यार था। कैंजिंग को फुटबॉल और एक्टिविटी करना बहुत पसंद था बट एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से वो वैसे ही पड़ा रह गया और मैं उनका बेटा बन गई। सच कहूं नीजिन तुम्हारे सुंदर कपड़े मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। चैन चैन तुम्हारे कॉस्मेटिक्स बड़े क्यूट लगते हैं पर मैं अपने बारे में बात कर रही हूं तो
इसमें केयर की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। जब मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था तब मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ था। ऐसा लगा मानो सडनली पीठ से कोई पहाड़ हट गया हो। मेरा भाई चला गया, मेरी मॉम मर्डर बन गई, पर मैं सबसे पहली चीज रिलीफ को कैसे सोच सकती हूँ। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैंने खुद अपने रास्ते को डिसाइड किया है और मैं खुद अपने रास्ते को खोज लूंगी। और इस बात से चैन चैन थोड़ी सी सहमी हुई थी। नेक्स्ट सीन में यांगयू से सवाल था कि उसे सियाओचुन में क्या अट्रैक्टिव लगता है। यांगयू बोलता है कि वो बहुत प्यारी लगती है, किन्हीं लोगों को लगता है कि उसका लुक इंटॉलरेबल है। यांगयू बोलता है कि शायद, बट वो क्यूट है। आपको लगता है सियाओचुन कुछ कुछ वक्त ग्रीन करती है? यांगयू बोलता है कि हाँ, उसके जैसे कैरेक्टर 90s में होते थे, बट वो क्यूट लगती है। नीजिन अपनी स्टोरी सुनाती है और यीतंग को बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है क्या, तुम झूठ क्यों बोलती हो? यीतंग बोलती है वो जब छोटी थी तब वो अपने मॉम को देखती थी जिसे वो बहुत बिजी देखा करती थी। वो उन्हें कहना तो बहुत कुछ चाहती थी बट वो उन्हें कुछ कह नहीं पाती थी। मैं अपने मॉम का अटेंशन पाना चाहती थी इसलिए मैंने तमाशा भी किया था। लोग मुझे झूठी बोलने लग गए बट उस टाइम मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैंने आर्टिकल लिखा था जिसको टीचर ने साफ साफ झूठा बना दिया। किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। मैं जर्नलिस्ट से नफरत करती थी इसलिए मैंने जर्नलिस्ट की पढ़ाई को चुना। और हम देखते हैं जब यीतंग पहली बार यूनिवर्सिटी आई थी तो उसे हेलिन दिखा था और हेलिन ने यीतंग को अपने न्यूज क्लब में ज्वाइन होने के लिए कंसोल किया। चैनचैन बताती है कि उसे हर वक्त गाउलिन के घर में घटा हुआ वही सब याद आता है। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सियाओचुन पूछती है कि ऐसा क्यों? चैनचैन बोलती है उसने चैनचैन के मुंह में टेप लगा दिया था, उसने उसके हाथों में भी टेप बांध के रखा था, उसने मुझे मारा था। सभी बोलने लगते हैं कि वो सब उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं क्योंकि सबकी कहीं ना कहीं वैसी ही सिचुएशन थी। चैनचैन जोर जोर से रोने लगती है जहां से वो उठकर बाथरूम चली जाती है। यीतंग बोलती है कि लगता है उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। और हम अभी से सीधे रिवर्स होके सुबह के सीन में चले जाते हैं जहां सियाओचुन ने टीचर से इसके बारे में डिस्कस करके इन सभी को बताया। और इन सभी ने ये प्लान किया था, चाहे वो अपनी स्टोरी से जुड़ी हुई हो या फिर दादी से पूरे घर की लाइट बंद करवानी हो। चैनचैन बाहर आकर बोलती है कि वो ठीक है और सारे एकजुट होकर सोते हैं। नेक्स्ट डे ये सभी खुशी खुशी उठते हैं। यीतंग चुपचाप मुस्कुरा रही थी और उसे हेलिन निहारते हुए सोचता है कि जब ये चुप रहती है तब कितनी सुंदर लगती है। और वो उसके पास आकर बोलता है, आज तुम स्ट्रेंज लग रही हो लेकिन जब तुम बोलती हो तब बेस्ट लगती हो। यीतंग उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, क्या सच में? जिससे हेलिन गुस्सा होकर जाने लगता है और यीतंग उसे परेशान करने लगती है। इधर सियाओचुन यांगयू को अजीब सी कहानी सुना रही थी। वहां गु आता है जिसने अपनी हेयर स्टाइल बदल लिया था। यांगयू बोलता है, अब ये हैंसम लग रहा है ना? सियाओचुन बोलती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर शेंग बोलती है कि वो नेपाल जा रही है महीनों के लिए। हैंग सोचता है कि खुद ही तो सारे डिसीजन ले लेती हो। शेंग उसे उसका एड्रेस मांगती है ताकि वो उसे लेटर्स वगैरह भेज पाए और हैंग बहुत खुश हो जाता है। मिस्टर तियान दूसरे शहर जा रहे थे जहाँ मिस्टर तियान माके के हाथ में नीजिन का हाथ डाल बोलते हैं कि इसका ख्याल रखना। माके बोलता है कि ज़रूर। नीजिन के रोकने पर भी मिस्टर तियान नहीं रुकते। मिस्टर तियान ट्रेन में जाकर अपने ऊपर नीजिन वाला परफ्यूम स्प्रे करते हैं। माके नीजिन को बोलता है कि वो मॉडल बनने जा रहा है और उसे उम्मीद है कि वो नीजिन के बनाए हुए कपड़े को पहन के शो करेगा। और वो ये सब बोल वहाँ से चला जाता है। ये सारे घर पे थे जहाँ चैनचैन बोलती है दादी का सीक्रेट उसे पता है। दादी के पास एक कैनवस है और उन्हें वो सारे पल याद आने लगते हैं जब जब दादी ने उस शख्स के बारे में बातें की थी जो कि बहुत ही हैंडसम और टॉल है। और ये सभी चोरी छुपके दादी के घर आ जाते हैं उस पेंटिंग के पास जहाँ दादी भी आती है और वो पेंटिंग यीतंग खोलती है जिसमें सुंदर सी गर्ल थी। दादी बताती है ये तब की थी जब वो 20 साल की थी। नेक्स्ट डे ये सभी मिलकर क्लोजेस्ट सेल्फ को रिपेयर करते हैं और एग्जैक्टली दादी का टॉल एंड हैंडसम ड्रीम प्रिंस दादी के पास आ जाता है और इन दोनों को हग करते हुए खिड़की से ये सभी देख रहे थे। तभी वहाँ चैनचैन आ जाती है बट वो सैड होने की जगह बोलती है उसे भी ऐसे ही रिलेशनशिप में आना है। और वो सोचने लगती है, थैंक यू गॉड आपका जो आपने मुझे इन सभी से मिलाया। और फिर हम इन पांचों लड़कियों को आज़ादी से देखते हैं और पांचों लड़कों को भी जो एक दूसरे को मुड़कर देख रहे थे। और फिर हमें पूरे घर का टूर दिखाया जाता है और
इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस ड्रामा। सो गाइज, आप सभी को अगर अच्छे अच्छे ड्रामास पसंद है तो मुझे रिकमेंड करो, जिसे मैं भी कर पाऊँ। सो प्लीज कमेंट पे मुझे जरूर बताना कि आप सभी को कौन से ड्रामास देखने हैं। There was a time when you had me